हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आज हम बात करेंगे कुछ बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के बारे में जो 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए हेल्दी एनवायरनमेंट। और फ्रेश एयर कितनी जरूरी है ये तो सभी को मालूम है, तो हम सबको कुछ ऐसे प्लांट जरूर लगाने चाहिए जो हमें 24 आवर्स फ्रेश एयर प्रोवाइड करें। आज के दौर में बढ़ते पॉल्यूशन में ऐसे प्लांट्स की डिमांड काफी बढ़ रही है जो एयर को प्योर और शुद्ध करने का काम करते हैं। ये सभी प्लांट्स 24 आवर्स फ्रेश एयर तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही हमारे इंटीरियर को डेकोरेट करने का काम भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं। पहला प्लांट है ड्रेसिना मार्जिनाटा। ड्रेसिना की काफी सारी वेराइटीज होती है, उसी में से एक वेराइटी है, इसे बोलते हैं ड्रेसिना मार्जिनाटा। ड्रेसिना मार्जिनाटा का प्लांट बहुत सुंदर लगता है, इसको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। नर्सरी में इसका प्राइस 100 से 150 रुपीस तक होता है। ये काफी अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ड्रेसिना की एक वैरायटी ये भी होती है, ये पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है और ये भी काफी बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है पीस लिली। पीस लिली भी बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। नर्सरी में ये 100 से 200 रुपीस तक मिल जाता है। साइज के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होता है। इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं और यदि आप इसे आउटडोर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज धूप में मत रखिए, इसे सेमी शेड में रखना चाहिए, ज़्यादा तेज धूप से खराब हो जाता है। और यदि आप इसे इंडोर रखते हैं तो 2 वीक में एक बार 2-3 दिन के लिए इसको बाहर रख दीजिएगा तो ये अच्छा चलता है। नेक्स्ट है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। रबर प्लांट की काफ़ी सारी वेराइटीज आती हैं। एक वो होता है जो ग्रीन और वाइट लीव्स जिसकी होती है, इसकी ग्लॉसी जो लीव्स होती हैं बहुत खूबसूरत लगती है। ये बहुत तेज धूप में रखने से खराब हो जाता है, यदि आप इसको आउटडोर रख रहे हैं तो उसे सेमी शेड में रखिए। और ये इंडोर में बहुत अच्छे से चलता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है और पॉल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए लोग इसे काफी बाय करते हैं और इंडोर इसको काफी रखना पसंद करते हैं। ये काफी हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से भी इजिली लग जाता है। नेक्स्ट है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, यदि आप छोटी सी भी इसकी कटिंग लगाएं तो बहुत अच्छे से ये चलता है। वास्तु के हिसाब से इसको गुड लक प्लांट भी कहा जाता है और ये बहुत घर में रखना शुभ होता है। मनी प्लांट अधिकतर लोग घरों में रखते हैं। मनी प्लांट आप मॉस स्टिक लगा के उस पर भी ऐसे रख सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी बहुत सुंदर लगता है और इंडोर बहुत अच्छे से चलता है। ये देखिए, ये मेरा प्लांट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का काफी बड़ा हो गया था, काफी लगी लगी सा दिख रहा था तो मैंने इसकी कटिंग करके इसको इसमें लगा दिया है। अब ये जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सुंदर लगेगा। एक्चुअली ये जब ज्यादा लंबा हो रहा था तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। नर्सरी में ये आपको 30 से 50 रुपीज तक लगभग मिल जाता है। ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, ये पानी में भी बहुत अच्छे से चलता है। जब आप इसको लगाते हैं तो कुछ दिन बाद नीचे से इसमें छोटे छोटे और प्लांट निकल आते हैं जिससे आप अलग पॉट में लगा के नए प्लांट बना सकते हैं। पानी में भी इसके जो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें ऊपर की साइड छोटे छोटे पल्प्स आते हैं, वो आप पानी में लगाइए, बहुत खूबसूरत लगते हैं। नर्सरी में ये 20 से 30 रुपीस तक मिल जाता है। ये हैंगिंग बास्केट पे भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। प्लांट की 2 वेराइटीज होती हैं, एक तो ये जिसपे जिसके बॉर्डर पे येलो धारी होती है और एक एकदम प्लेन ग्रीन होता है। इन दोनों की डार्क वेराइटी भी होती है, जैसे इसकी जो डार्क वेराइटी है वो ये वाली है और जो ग्रीन वाला होता है टॉल, उसकी जो डार्क वेराइटी होती है वो ये है। स्नेक प्लांट पर हमने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, ये जो आई बटन पर शो हो रही है, यदि आप उसे देखना चाहें तो क्लिक करके आई बटन को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और बहुत सुंदर भी देखने में लगता है। यदि आप जैसे इसकी जो डार्क वेराइटी है वो छोटे पॉट में लगा के किसी टेबल टॉप पे या टीवी यूनिट वगैरह पे रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये एक्चुअली बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको ना बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, यदि थोड़ा सा डार्क प्लेस में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है एलोवेरा।
एलोवेरा भी एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, ये लगभग हर घर में होता है। एलोवेरा स्किन, हेयर और हेल्थ के लिए तो बहुत फायदेमंद होता ही है। बाकी ये यदि आप इंडोर रखते हैं तो ये फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करता है। चूंकि ये सेक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है इसलिए इसे धूप पसंद होती है, इसलिए यदि आप इसे इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए जैसे विंडो के पास जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इसे पानी कमी देना चाहिए, जब ओवरवाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाता है। नेक्स्ट है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा भी एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये किसी भी कंडीशन में अच्छे से चल जाता है। जैसे डार्क प्लेस पे भी आप इसको रखते हैं तो ये अच्छे से सर्वाइव करता है। एग्लोनीमा की भी काफ़ी वेराइटीज़ आती हैं। जो इसकी ग्रीन वेराइटी होती है वो हार्डी होती है, वो थोड़ा उसके रेट भी कम होते हैं। ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, इसलिए लोग इसे काफ़ी बाय करते हैं। देखिए नेक्स्ट है एरिका पाम। एरिका पाम एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये बहुत खूबसूरत लगता है, ये एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। यदि आप इसको आउटडोर रखते हैं तो ज्यादा तेज धूप में इसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेज धूप से इसकी जो लीव्स हैं वो येलो पड़ने लगती हैं। इसे आप लिविंग रूम, ड्राइंग रूम कहीं भी रख सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये सब प्लांट्स आप भी अपने घर लगाइए। ये सभी प्लांट्स फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ये सभी प्लांट्स काफी हद तक पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।